राधे राधे, जो दिल्ली में घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है। दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग संस्थान राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में बरसाती पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 अभ्यर्थियों की मौत हो गई है। एमसीडी ने दृष्टि आईएएस कोचिंग समेत कई सारी कोचिंगों में ताले डाल दिए हैं। इस बड़े हादसे का शिकार श्रेया यादव, तान्या, नेविन डेलविन तीनों संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा देने वाले थे। तीनों के परिवार वालों ने इस कोचिंग में एडमिशन दिलाने के लिए लाखों की फीस भी भरी है। इस हादसे की वजह से दिल्ली का जो सिस्टम है, राजधानी के सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है इस हादसे ने। इस दुर्घटना को लेकर विद्यार्थियों में जो रोष दिख रहा है वह तो पूरी तरह न्याय संगत है। बहुत अच्छा होगा यदि इस रोज को सटीक दिशा मिले और सरकार कोचिंग संस्थाओं के लिए निश्चित दिशा निर्देश लागू करें। इस संबंध में हम सरकार के साथ सक्रिय सहयोग करने को तत्पर है, ऐसा विकास सर ने बोला है। कहीं पर बात सामने यह भी आ रही है कि मुआवजा देने की बात की जा रही है। नेविन डेलविन के पिता ने ठुकराए हैं 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपए का वो क्या करेंगे? वो उनका एक जीता जागता नौजवान बेटा जो आईएएस की तैयारी करने आया था, पिछले 4 साल से वो दिल्ली में था, वो क्या करेंगे 10 लाख रुपए का आपके, जब उनका बेटा ही नहीं रहा। माँ बाप कैसे फीस भरते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, एक बड़ा सपना देखते हैं, बच्चे सपना देखते हैं तो कभी मेडिकल की तैयारी करने जाते हैं, बच्चे सुसाइड करते हैं डिप्रेशन में, कभी आईएएस के बच्चों के साथ हादसा हो जाता है। इन सब का जिम्मेदार कौन है आखिर? क्या इसमें सरकार के सिस्टम की गलती है, कोचिंग सेंटर की गलती है?